अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुलरहमान वुडवर्क इन्फो के साथ। तो नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक और ये किचन तैयार कर लिया। डार्क ग्रे कलर की यूवी हाई ग्लास की शीट में ये किचन तैयार किया गया। किचन में भी कुछ चेंजेस की गई हैं, तो वीडियो में आगे चल के वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे चैनल पे किचन डिज़ाइन के रिलेटेड नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के किचन डिज़ाइन आप तक पहुँचते रहें और आपकी हेल्प होती रहे, आपको कलर सिलेक्शन में आसानी हो। जी नाज़रीन, सबसे पहले इसके डिज़ाइन की बात कर ले तो स्टार्ट में हमने ये अप्लाइंसिस का यूनिट ये बनाया। इसमें बेकिंग ओवन और माइक्रोवेव ये बिल्ट इन इसमें इंस्टॉल किए गए हैं, और इसी के साथ ऊपर ये एक जैक वाला डोर दिया गया। इसमें आप अपने बर्तन वगैरह रख सकते हैं। इसी के साथ आगे चले तो यहाँ पर डिज़ाइन में कुछ चेंजिंग है। हुड की राइट साइड पर ये ओपन स्पेस रखी गई, इसमें आप अपने डेकोरेशन पीस वगैरह रख सकते हैं। दरमियान में आ गया ये हुड फुल टच और सेंसर सिस्टम ये हुड है। यहाँ पे भी चेंजिंग की हुई है, ये दूसरे किचनों से थोड़ा डिफरेंट हुड लगाया गया है। यहाँ पे ये बाज़ार से आपको तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये की रेंज में ये आपको मिल जाएगा। बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट और चॉइस के मुताबिक आप कोई भी हुड ले सकते हैं। इसके साथ आगे चलें तो हुड की लेफ़्ट साइड पे इस तरह से ये दो जैक वाले डोर्स दिए गए हैं। ग्रे कलर की यूवी शीट का एक डोर है और एक प्रोफाइल डोर दिया गया है। इसमें ब्राउन कलर का मर्करी ग्लास और गोल्डन इसमें लाइट इंस्टॉल की गई है। और इसी के साथ आगे कॉर्नर में इस तरह से एक सिंगल डोर दिया गया है। इसकी कॉर्नर की स्पेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें बर्तन वगैरह रख सकते हैं। और इसी तरह लेफ़्ट कॉर्नर में भी इसी तरह सिंगल डोर दिया गया, और उसके साथ आगे इस तरीके से ये डबल डोर दिया गया। इसमें अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है, इनमें आप अपने बर्तन वगैरह रख सकते हैं। और इसी तरह आगे चले तो ये सिंक के ऊपर इस तरीके से ये ओपन दो रैक दे दिए गए हैं। विंडो को कवर नहीं किया गया, इनमें आप अपने डेकोरेशन पीस वगैरह रख सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में इस तरीके से ये दो जैक वाले डोर्स दिए गए हैं। और इसी तरह इसमें एक ये प्रोफाइल डोर दिया गया है, इसमें गोल्डन कलर की लाइट इंस्टॉल की गई है। बाकी ये फुल रूफ ये किचन तैयार किया गया है। ऊपर के डोर्स में आपको अच्छी स्पेस मिल जाती है, इनमें आप अपने बर्तन वगैरह रख सकते हैं, और फुल रूफ किचन की एक डिफरेंट लुक निकल के नज़र आती है। नीचे की डिज़ाइन की बात करें तो स्टार्ट में ये चूल्हे के नीचे स्पाइस रैक दिया गया ड्रार्स की दोनों तरफ, और ऊपर वाले ड्रार में इस तरीके से ये कटलरी ट्रे इंस्टॉल की गई है। और इसी तरीके से इसके नीचे ये दो ड्रार्स ये सिंपली दिए गए हैं, और ड्रार्स की दूसरी साइड पर भी उसी तरीके से स्पाइस रैक दिया गया है। इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी ये सिंपली इसी तरीके से ये डोर बाकी के इंस्टॉल किए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसमें यूज़ किए गए मटेरियल और इसकी कास्ट के बारे में बात करें तो ग्रे कलर की यूवी हाई ग्लास की शीट इसमें इस्तेमाल की गई है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इसमें हैंडल यूज़ किए गए हैं। डोर है जिसको कवर करने के लिए एलुमिनियम ट्रिम का यूज़ किया गया। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हाइड्रॉलिक जैक इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के 3D सॉफ्ट क्लोज कब्जे इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। इस किचन की मुकम्मल कास्ट के बारे में बात करें कि इस किचन को बनाने में हमारा कितना खर्चा आया, तो ये किचन 1700 रुपये पर स्क्वायर फीट में ये मुकम्मल तैयार किया गया। इसमें अप्लाइंसिस और एक्सेसरीज क्लाइंट की थी, हमने इंस्टॉलेशन की है। अगर आप भी हमसे किचन तैयार करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतने, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।